हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश कुमार लाइब्रेरी। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज देखो हमारी मम्मी बिन रही हैं डलिया। बहुत सारी डलिया बनाएंगी, बहुत सारी बनाती भी हैं, आज से नहीं बनाती, बहुत पहले से बनाती हैं। और हमारी मम्मी जो है हर तरह की डलिया बना लेती हैं, हर तरह का काम कर लेती हैं, कपड़े भी सिल लेती हैं और घर का नेचुरल डेकोरेशन भी अच्छा कर लेती हैं। जैसे घर की सजावट होती है, लीपा पोती होती है, डिज़ाइन होती है, वो सारा कुछ। तो ये रानी पास में बैठी है, मम्मी कोई भी काम करती है तो रानी बैठी रहती है। रानी को भी मम्मी के साथ अच्छा लगता है, मम्मी को वो भी अच्छा लगता है जब रानी रहती है। और बंदर तो आज है नहीं, वो कहीं चले गए हैं, वो कहीं घूमते रहते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। वो तो पूरे गांव में घूमते रहते हैं, रानी तो सिर्फ अपने एरिया में घूमती है, अपने एरिया में जितने घर हैं, गांव में बोलते हैं ट्वाला, एक ही ट्वाला में घूमती है। मतलब देखो ये काम जो है आसान नहीं होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो हमारी मम्मी जो है घर का पूरा काम करती रहती हैं, डलिया बिनती रहती हैं, डलिया स्वेटर सारा कुछ करती रहती हैं और उनका साथ देने के लिए रानी रहती है। रानी जब उनके साथ रहती है तो उनका अच्छा माइंड काम करता है, उनको भी अच्छा लगता है। और तो हमारे घर के मेंबर सारे बाहर रहते हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई कहाँ है। अभी हम जा रहे हैं रानी के लिए बनाना लाने, रानी के लिए बनाना लाने जा रहे हैं। हमारे घर के पीछे रोड है चौराहा, वहाँ पर बनाना मिल जाते हैं। ये देखो बैठी हैं, गेट खुल गया, अब ये जाएंगी कहाँ, ऊपर घूमने जाएंगी। दिन्नी, ओ दिन्नी, ओहो,
अब देखो रानी कहाँ जा रही, रानी जा रही हमको देखने। वहाँ से हमको देखती है कि आकाश कहाँ गए, और उधर बंदर भी रहते हैं जो जंगली हैं। जंगली वाले बंदर ऊपर रहते हैं, पीछे पेड़ है, दो तीन पेड़ है बड़े बड़े, वहाँ पर रहते हैं, झूलते हैं, वो सब खेलते हैं, टावर है उसके ऊपर रहते हैं। तो ये रानी गई वहाँ पर देखने, बंदरों को देखती है, सारे लोगों को। वहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है पूरे रोड का, और हाँ अपनी पूरी खेती का, अपने खेत हरे भरे हैं। वहाँ से ये देखती रहती है, रानी तो गई। आओ दिन्ने। रानी जो है जाने के बाद फिर से आ गई, फिर से उसी जगह बैठ गई, मम्मी के पास रहती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। अब देखो हमारी मम्मी डलिया कैसे बनाती हैं, कैसे बिनती हैं, इसको ध्यान से देखना। ये हाथ में है सूजा, सूजा का मतलब है नुकीलीदार, सूजा एकदम पतला सा होता है जैसे सुई। अब सुई को अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो उससे पहले छेद करती हैं मम्मी, नीचे वाले में छेद करती हैं। तो भाई हमारे गांव का कल्चर कैसा लगा, हमारे मम्मी लोगों की वीडियो कैसी लगी, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी गलती हो उसको भी बताना, इससे हमें सीख मिलती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड बाय।